नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज डेट है 30 मई 2022, SSC GD का फिजिकल चल रहा है। हम लोग उपस्थित हैं CISF यूनिट कोयला नगर धनबाद में। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं जो कि अभी सेंटर से बाहर निकल रहे हैं फिजिकल क्वालिफाई करके। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह का क्या एक्सपीरियंस रहा उनका और क्या कैटेगरी है, और ये भी जानेंगे कि उनका टाइमिंग क्या है और उनका जो एग्ज़ाम में जो नंबर था वो कितना था। तो पहले आप सभी अपना माइक पकड़िए और अपना अपना नाम बताइए और आप लोग कहाँ से आए हैं। सबसे पहले टारगेट फर्स्ट सोनू पाल भैया को बहुत बहुत बधाई जो हमारे लिए इतने मेहनत करते हैं, ट्रैक को हम लोगों को प्रोवाइड करा है, जिससे हम लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। यहाँ तक कि मेरा रनिंग टाइम आता था 26 मिनट का भी। मैं बहुत मतलब डिमोटिवेट हो जाता था, लेकिन इनका वीडियो देख के मैं बहुत बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। आज देखिए मेरा 21 मिनट 30 सेकंड में मैंने कंप्लीट कर दिया आज का फिजिकल। क्या नाम हुआ आपका और मेरा से आप लोग? मेरा नाम किशन कुमार बेदिया है और मैं रामगढ़ जिला से हूँ। आप लोग सब कहाँ से हैं आप बता दीजिए? गुमला जिला। नाम क्या हुआ? आशीष उराव। आपका नाम क्या हुआ? बेदिया, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा भाई, आप एक लोग पकड़ लिए, बस बोलते रहिएगा, ठीक है। और आपका, आप कहाँ से हैं भैया? कहाँ से हैं आप? कोडरमा जिले। नाम क्या हुआ? विवेक कुमार। चलिए, और आप लोग क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष भगत है, हम लोग लातेहार से हैं, दोनों साथ में हैं। लातेहार से। नाम क्या हुआ भैया आपका? अशोक राव। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोग रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे कितने बजे था और कितने बजे आप लोग पहुँचे? हम लोग का रिपोर्टिंग 3:30 बजे बोला गया था। जब हम लोग शाम को यहाँ पे पहुँच गए थे तो जो सर लोग यहाँ पे घूम रहे थे शाम में, तो हम लोग को बोले गए थे 3:30 बजे यहाँ पे रिपोर्टिंग कर देना, जितना जल्दी आप आइएगा उतना जल्दी आपका रनिंग स्टार्ट होगा। इसलिए आप जितना जल्दी आइए और अपना लाइन में रहिए, तो जल्दी जितना जल्दी हो सके आपका दौड़ हो तो अच्छा बेटर हो। इसलिए आने वाले आज भी सर लोग बोल रहे थे कि आप जितना जल्दी आएंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा है। आप सभी ST कैटेगरी से हैं? हाँ, ST कैटेगरी से। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगा आप लोग ये बताइए। ST में ज़्यादातर देखा जाए तो कास्ट मांगा है, और अगर इस क्वालिफाई के बाद NXR 8 का मांग किए हैं जो कि सेंट्रल लेवल का होता है, उसको मांग किए हैं। अगर वो अगर आप पास करते हैं तो ये जो डिस्ट्रिक्ट से भी कास्ट बना है वो वाला काम नहीं करेगा, बल्कि NXR 8 बनाना पड़ेगा, तब आपको मेडिकल के लिए आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अच्छा, और ऐसा भी कोई कैंडिडेट रहा है कि जो कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेके आया हो आज? वैसा कैंडिडेट तो हम लोग के सामने नहीं दिखा, बट ऐसा बोला गया था कि अगर आपके पास अगर कास्ट नहीं होगा तो आपको आपको हाइट और चेस्ट में आपको नहीं मौका दिया जाएगा। अच्छा, मेडिकल जब होगा उस समय आपको लाना होगा। हाँ, और अभी के लिए उनको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है? नहीं नहीं। चलिए, और आप लोग ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे जो रनिंग किए कितने टाइम में आप लोग आए और ग्राउंड में कितना टाइमिंग आता था, एक एक सभी लोग बताएंगे। टाइमिंग का वही लगभग सेम है, बट टाइमिंग जब हम लोग जब ग्राउंड में कर रहे थे तो उस टाइम 1 मिनट लगभग मतलब इससे ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन यहाँ का मनोबल आसपास के लोगों ने सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, और आपका भी मतलब हम लोग पर डे वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं, तो इससे मनोबल बढ़ता है कि एरिया कहाँ पे है। रात को हम लोग आए तो देखे कि यहाँ पे कोयला नगर हम लोग पहुँच चुके हैं, तो उससे मोटिवेट मिलता है कि टाइमिंग क्या जा रहा है, कैसा लोग कितना पास हो रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, उसके अनुसार टाइमिंग का एग्जैक्ट 20 मिनट में हम लोग क्वालिफाई कर गए थे। आपका? मेरा भी एक्चुअली 20 मिनट में ही। 20 मिनट लगा समय था। और घर में टाइमिंग कितना लगता था जो आप लोग प्रैक्टिस जहां करते थे? घर में 21 या 22 ग्राउंड पे। ग्राउंड पे, यस। चलिए, टाइमिंग क्या है आपका आज? आज मेरा टाइमिंग है 21 मिनट 30 सेकंड। और इसे जो प्रैक्टिस आप घर में करते थे वहाँ पे कितने आता था? वहाँ पे 24:10 24:25 ऐसे करके आता था। मतलब आज टाइम इम्प्रूव हुआ? मतलब बहुत इम्प्रूव हुआ। टाइम आपका क्या आया? मेरा 25 मिनट का टाइमिंग था पहले घर में, लेकिन अभी का टाइमिंग 23 मिनट है। 23 मिनट। और आपका टाइमिंग क्या रहा? मेरा ट्रैक पे था 22, पर अब 18:30 है। और यहाँ 18:30 आया? 18:30। मतलब कि 3 मिनट का समय आप लोगों का कम हो गया है। आप लोग ये बताइए कि आप लोग अगर रनिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैक में हर जगह आपको ऑडियंस मिले होंगे और CISF के जवान मिले होंगे, उन लोग से आप लोगों को क्या प्रोत्साहन मिला? रनिंग टाइम हम लोग बहुत रनिंग टाइम प्रोत्साहन मिला, इतना सपोर्ट किए लोग, इतना अच्छा लगा, इतना CISF के जवान इतने अच्छे हैं ना कि जो बंदा दौड़ भी नहीं रहा उन पर इतना मोटिवेट कर देते हैं कि वो दौड़ने लगता है। और आप जो वीडियो बनाते हैं वो तो है अपर लेवल का, लाजवाब है आपका जवाब। आइए, सॉरी, आपका आवाज़ भी बहुत सुंदर है, आपका हर वीडियो में देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू। और आप लोग से एक लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है मेरे वीडियो में, तो लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग किस कैटेगरी से हैं और रॉ मार्क्स कितना हुआ था एग्जाम में और नॉर्मलाइज करके कितना नंबर आया आप लोग? रॉ मार्क्स 42।
नॉर्मलाइज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था 48.2 था। अच्छा, और आपका? मेरा 70 नॉर्मलाइज था। मतलब रॉ मार्क्स मेरा 70 है और नॉर्मलाइज 76। अच्छा, किस कैटेगरी से है? एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी से। और आप? मेरा रॉ मार्क्स 46 था, बट रॉ मार्क्स मतलब इंक्रीज करके 51 हो गया है। 51 हो गया। हाँ। और कौन बच गया भैया आपका? मेरा रॉ मार्क्स 48 है और नॉर्मलाइज करके 52 हो गया। मेरा 42 है रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज में 44 है। अच्छा, सारे लोग आज जितना भी रनिंग था सारे लोग आज एसटी का ही रनिंग था? हाँ, सारा एसटी। लगभग मैक्सिमम एसटी का भी था, एक दो लड़का लोग। और कुछ लोग सुनने में आया कि जनरल के भी लोग। हाँ, मतलब एक मतलब ओबीसी या जनरल था, तो मतलब उसका एक दो दिन पहले दौड़ था उसका। हाँ। तो उसका मतलब वो हाथ में साथ उसका फ्रैक्चर या कुछ आया था, तो उसको मतलब बोला गया कि दो दिन के बाद आके दौड़ लेना। अच्छा। और आज भी हम लोग को भी बोला गया था कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो एक दिन बाद कल आके या परसों आके दौड़ लेना। जिस दिन आपका रनिंग है उस दिन कोई प्रॉब्लम है तो आप अगले दिन के लिए टाइम ले सकते हैं। सीआईएसएफ में इतना ये बात तो हम पहले भी बताए थे वीडियो में, बहुत फैसिलिटी है। अच्छा, आप लोग फर्स्ट राउंड में दौड़े थे या फिर सेकंड राउंड में? सेकंड राउंड। आप लोग सेकंड राउंड दौड़े थे, आप लोग फर्स्ट राउंड में दौड़े थे। चलिए, आप लोग सेकंड राउंड में जो दौड़े थे वो बताइए, कितने लोग रनिंग किए थे सेकंड राउंड में? सेकंड राउंड में 142 था। 142। उसमें से क्वालिफाई कितने लोग हुए? 90 के आसपास क्वालिफाई किए 142 में। फर्स्ट राउंड में कौन कौन थे? अच्छा, फर्स्ट राउंड में कितने लोग रनिंग किए थे? फर्स्ट राउंड में 122 था, उसमें से 183 क्वालिफाई किया है, उसमें से चेस्ट में लगभग नहीं के बराबर एक दो बंदा ही सिर्फ छठे हैं आज, नहीं तो ओनली हाइट और चेस्ट में सभी कोई पास हो गए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और स्टार्टिंग में हाइट में टोटल लोग कितने छठे थे हाइट में? हाइट में ज़्यादा नहीं, 2-4-5 ही छठे होंगे, ज़्यादा नहीं छठे होंगे। टोटल हाइट में? हाँ, एस टी कैटेगरी वगैरह आते हैं तो उसमें रिलैक्सेशन आपको हाइट और चेस्ट मिलता है, उसकी वजह से हाइट और चेस्ट में आज उतना प्रोफेस नहीं मिला, जैसे कि छाटने का मोमेंट जैसे पहले छटा था तो वैसे आज नहीं हुआ। एक बंदा था जो क्वालिफाई किया था रेस, लेकिन उसको हाइट नहीं छट गया। एक बंदा, और एक बंदा था क्या बोल रहे? हाइट और चेस्ट में सिर्फ दो बंदे आज छटे हैं, एक हाइट में और एक चेस्ट में। तो हाइट में रनिंग करने के बाद आप हाइट में चढ़ गए? हाँ, रनिंग में बंदा हाइट ये पास कर लिया था, क्वालिफाई कर लिया था रेस, लेकिन उसमें उसको फिर से मतलब हाइट पूरा नहीं हुआ, तो वो बहुत उनको मौका भी मिला तो नहीं पूरा हुआ। और उसी तरह एक लड़का था जिनका चेस्ट थोड़ा बहुत कम था, उनको 5-7 बार सर लोग बहुत सपोर्टिव थे, उनको बार बार प्रोत्साहन करके बार बार पुशअप करवाने के बाद उनका चेस्ट मेजरमेंट कराया, लेकिन उनका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही दिक्कत था तो उनको डिस्क्वालीफाई कर। हाइट जो कि आप बोल रहे हैं डिस्क्वालीफाई हुए हाइट में, हाँ। वो तो हाइट पहले ही ना पाया था, हाँ उसके बाद रनिंग कराया था। हाँ जी, तो वहाँ पे पहली बार क्वालिफाई कर गए होंगे, उसके बाद रनिंग करने गए होंगे। हाँ, दौड़ के बाद फिर से रीहाइट होता है, तो उनका उसमें होता है ना कि जैसे कि कोई अगर थोड़ा सा मतलब अगर 6-5 हो रहा होगा जैसे क्वालिफाई हो सकता है उस वैसा लेवल का होगा तो उसको दौड़ने के लिए प्रिपरेशन दे देता है, लेकिन बाद में अगर री अगर होता है हाइट उसमें अगर छाड़ देता है तो उसका गोलता है। हम लोग का भी चेस्ट में छाड़ दिया था, लेकिन इतना मौका देते हैं उतना मतलब सपोर्ट करते हैं सर लोग वहाँ पे कि मौका देने के बाद मेरा भी नहीं पूरा था, लेकिन उस वक्त पुशअप मरवाने के बाद आराम से फिर दोबारा मौका में हो गया। अच्छा, ये हाइट वाला जो आप लोग बताएं, ये हाइट का जो पहला है कि जो कि हाइट में अभी डिस्क्वालीफाई हुआ रनिंग के बाद, इससे पहले अभी तक कोई भी हाइट में डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था रनिंग के बाद। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि और चेस्ट में और कितने लोग हैं जो है कि डिस्क्वालीफाई हुए आज टोटल? बस एक ही लड़का हुआ है। एक ही लड़का? हाँ, बस वो भी रेस के बाद। हाँ, इतना आफ्टर। और आप लोग ये जो ट्रैक के बारे में क्या रिव्यू देना चाहेंगे, जो ट्रैक है यहाँ का किस तरह का ट्रैक देखा जाए, ट्रैक में इतना अच्छा है कि उसमें कोई बोलने का वजह नहीं, जाते समय हल्का सा मतलब क्या बोले लेबल हल्का हाइट है, बट आने समय इतना अच्छा मतलब मिलता है 100 मीटर 200 मीटर के आसपास इतना स्पीड कि आप अगर टाइम अगर 10 सेकंड भी बचा होगा ना तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। ट्रैक में कोई भी समस्या नहीं है, आप आराम से देखते हुए आपको मनोबल इतना बढ़ा देंगे कि आपको 500 मीटर के आते आते आप आराम से क्वालिफाई कर रही है, उसमें टॉक लिए कोई दिक्कत नहीं। और ट्रैक ऐसा सुंदर है ना कि छोटा छोटा डायरेक्शन में मतलब चेंज होते जाता है, तो ऐसे में बंदा को ना मतलब ये नहीं होता कि फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है, इसमें लगता है कि हम दौड़ रहे हैं बहुत और अच्छा ही है ये, और उसमें बंदा दौड़ते जाता और फाइनली वो अपने डेस्टिनी तक पहुँच ही जाता है, ये बहुत सही चीज़ हमको लगा, बहुत सुंदर है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आगे जो आने वाले हैं उन लोगों के लिए कुछ लास्ट मैसेज फाइनल मैसेज आप लोग कुछ देना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों के लिए मैं तो बोलूँगा ना कि आप जल्दी सब रिपोर्ट यहाँ जितना जल्दी, हाँ जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि यहाँ के जो ऑफिसर लोग हैं उन्होंने कहा है कि आप अपने या दोस्त लोग को बताइए कि जितना से जल्दी आ सके यहाँ और रिपोर्ट करें, और बोलेंगे ये कि आप ना दौड़ लगाते समय आप थकते हैं लेकिन उसमें रुकना नहीं है, आप
थोड़ी थोड़ी करते करते दौड़ते रहेंगे ना तो पहुँच ही जाएंगे। इतना मना है यहाँ के CISF जवान, इतने इतने अच्छे हैं कि दो बार रुक गया। हाँ बहुत बंदे रुकते हैं लेकिन कोशिश किया था, हो गया मेरा है ना। इनसे बात हम है ना, हम यानी कि हमको ऐसा लगा ना कि जिसे हम नहीं सकेंगे, लेकिन फिर ऐसा हमको ऐसा फीलिंग हुआ कि अरे माता पिता का माँ बाप का जो फील हुआ होता है ना उसका याद आ रहा है, उसको फिर फोन करेंगे बोलेंगे नहीं सके, फिर कोशिश की है फिर हो गया मेरा। टाइमिंग क्या है आपका यहाँ पे? टाइमिंग मेरा हुआ था 23:21 लगभग हुआ था। अच्छा, और जैसे एग्जाम में जो रॉ मार्क्स था और नॉर्मलाइजेशन का नंबर कितना हुआ है? मेरा तो रॉ मार्क्स था मेरा 54 था और नॉर्मलाइज मार्क्स 56। टू मार्क्स एस टी। सभी का धन्यवाद और आगे के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। हाँ थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप सभी इनको लाइक करिए, इनको शेयर करिए और इनको आगे बढ़ाइए, हमारे लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, ये इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात इस सर का हम हमेशा देखते रहते हैं वीडियो, इससे पहले देखे थे, हर रोज का देखते थे कि कैसे यानी कि मैन रनिंग होता है। हाँ रोज देखते थे हम वीडियो। सर आप लोगों को कुछ हेल्प हुआ ट्रैक के बारे में जो? हाँ सर बहुत 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 हेल्प हुआ सर। चलिए आप सभी का धन्यवाद और वंस अगेन आपको बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। हाँ थैंक यू। जैसे कि देखे दोस्तों आप लोगों ने कि ये जो मेरे साथ कुछ कैंडिडेट थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्या टाइमिंग उनका आया था, और आप लोग के जो आप लोग कमेंट करते हैं नीचे उसका भी जवाब देने की कोशिश किए हैं कि जो आपका कमेंट था कि आप लोग से कैटेगरी पूछिए और नंबर पूछिए, वो सारा कुछ हम पूछने का प्रयास किए हैं और प्रयास किए कि जितने भी आपके सवाल थे कमेंट बॉक्स में वो पूरा करने का कोशिश किए हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है, और आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेगी और SSC GD के बारे में आपको पल पल का अपडेट्स आपको इसी चैनल में मिलेगा। तो इसलिए आपसे जरूर से निवेदन होगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नया आ रहे हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर लें। अगर लिंक से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाके टेलीग्राम में टारगेट फर्स्ट जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रुप, आप उसको जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारा PDF डॉक्यूमेंट सारा कुछ आपको वहाँ पे मिलता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।